नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम निफ्टी में एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं जिससे आपके पुराने सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। और ये स्ट्रैटेजी का विन रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसे मैंने 100 टाइम्स बैक टेस्ट करा है, एंड इसका रिजल्ट जान के आप शॉक हो जाओगे। तो पहले स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हुए हम जाएंगे अपने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में, और यहाँ पर जाके हमें टाइप करना है MACD। तो यहाँ पर जो पहला वाला आ रहा है टेक्निकल्स में, हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर हमें यहीं पे डालना है EMA। तो ये जो टेक्निकल्स में दूसरा आ रहा है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमें EMA की सेटिंग्स में जाके इसे 9 से 200 कर लेना है एंड दैट्स इट। हम चाहें तो इसका स्टाइल में जाके इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। बस यही स्ट्रैटेजी है हमारी। सो अगर हम बात करें रूल्स की स्ट्रैटेजी के, तो फॉलोइंग बाय एंट्री हमें ये देखना है कि MACD ने नीचे से एक क्रॉसओवर लिया हो। ओके, MACD ने जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर लिया हो, जस्ट लाइक इन दिस केस, एंड हमारा जो प्राइस है वो 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम अपना स्टॉप लॉस 27 पॉइंट्स का लगाते हैं एंड टारगेट 40 पॉइंट्स का, जो कि 1:1.5 होता है, तो आप जैसे देख सकते हैं ये ट्रेड एक काफ़ी अच्छा विन है। और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसा कि अगर यहाँ पे हम देखें, ये कैंडल जो है 200 EMA के ऊपर है और यहाँ पे हमारा MACD जो है वो जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर हो रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और अगर हम यहाँ पे एक पोजीशन लेते, इसके क्लोज पे अगर पोजीशन लेंगे, तो आप देख सकते हो कि अगर अगले दिन खुलता तो आपको गैप अप में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। तो मेरे को एक और चीज़, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है कि कब आपको बाय करना है सेल करना है, तो आप MACD की सेटिंग्स में जाके ये जो आपका ब्लू वाला कलर है इसे आप ग्रीन कर दीजिए एंड ये जो आप ऑरेंज वाला है इसे आप रेड कर दीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लिसिटी हो जाएगी। जैसे कि अगर अब आपका ग्रीन वाला रेड वाले को क्रॉस करता है तो आपको बाय करना है, एंड रेड वाला ग्रीन वाले को क्रॉस करता है तो आपको सेल करना है। अब हम सेल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम सेल की बात करें, तो हमें इसमें देखना है कि प्राइस हमारी 200 EMA के नीचे होनी चाहिए एंड जो हमारा क्रॉसओवर हुआ है उसमें रेड लाइन ऊपर होनी चाहिए और ग्रीन लाइन नीचे होनी चाहिए और वो जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए, जस्ट लाइक इन दिस केस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी एंट्री आपकी ट्रिगर हुई है एंड अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। दिस इज द फॉर सेल पोजिशंस। अगर हम बात करें कि कहाँ पे हमें पोजिशंस में एंट्री नहीं लेनी है, जैसे कि अब यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा चौपी हो गया है, तो यह सब देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम हो गई है। जब जब आपको लगे कि 200 EMA स्ट्रेट हो रही है या फिर आपका MACD में अगर इस टाइप के कैंडल्स बन रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो जैसे कि हमने अब तक बाय और सेल का देखा, तो आपको रूल्स को फॉलो करना है। ऐसे कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉस ले सकते हो स्ट्रैटेजी के अंदर, इसमें क्या किसी के अंदर भी, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो होती है वो वर्क करती है प्रोबेबिलिटीज़ पे। और अगर आप प्रोबेबिलिटी चेंज कर दोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो आपका रिजल्ट आउटकम चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसके रिजल्ट की, तो मैंने इसे 100 टाइम बैक टेस्ट करा था एंड उसका रिजल्ट कुछ ऐसा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 1:1.5 का देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा रिस्क 1 रुपीज़ का है एंड हमारा टारगेट 1.5 रुपीज़ का है। अगर हम वैसे समझे तो हमारा टारगेट 40 पॉइंट्स का रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा 27 और या फिर नियर स्विंग का हो जाएगा। इसे 100 टाइम्स बैक टेस्ट करने के बाद जो इसका रिजल्ट आया वो समथिंग अराउंड 67 ट्रेड वॉज विन एंड 33 ट्रेड वॉज लूज। विन रेट हो जाता है वो 67% हो जाता है। एंड अगर आप इक्विटी कर्व की बात करें, तो एक काफ़ी बढ़िया और काफ़ी कॉन्स्टेंट राइजिंग इक्विटी कर्व है इस स्ट्रैटेजी का। अगर आप इसके रिस्क रिवॉर्ड को चेंज कर देते हैं, आप इसे 1:2 भी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा विन रेट आपका कम हो जाएगा। एंड इस स्ट्रैटेजी के साथ आपके जितने भी पुराने लॉसेज हैं वो आप आराम से रिकवर कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी 67
परसेंट विनिंग रेट के साथ आती है, विच मीन्स अगर आपने 100 ट्रेड लिए उसमें से अप्रॉक्सीमेटली आपके 67 विन जाएंगे। वैसे तो इसका विन रेट 70% का था, बट कुछ केसेस में जैसे कि मार्केट बंद हो गया या फिर प्रीमियम नहीं है मार्केट में या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जैसे कि जो आप ऑन द स्पॉट मार्केट में फेस करोगे उसकी वजह से ये 67% हम मान रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकता है कोई भी, ना आप यहाँ पे सेल का ले सकते हो ट्रेड, आप बस यहाँ पे मॉर्निंग में एक सेल का ट्रेड ले सकते थे जैसे कि इसके नीचे आया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ आपको एंड, बट उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है इसमें, इसलिए ये 67% है। और टारगेट हमने इसमें जानबूझ के छोटा रखा है ताकि हमारा टारगेट जल्दी अचीव हो जाए एंड हम मार्केट से जल्दी प्रॉफिट लेके जा सकें। पर जैसे कि ये केस है, आप चाहते तो यहाँ पे इसे ट्रेल कर सकते थे। अगर आप इसी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत ट्रेलिंग एसएल के साथ आगे लेके जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है एंड आप अपने पुराने लॉसेस को और भी जल्दी रिकवर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।